नमस्ते दोस्तों, ग्रीन टिप्स एंड एडवाइस चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में चर्चा करूंगा बैंक निफ्टी फ्यूचर, टेक्निकल आउटलुक, बाइंग लेवल, सेलिंग लेवल, स्टॉप लॉस और टारगेट। निफ्टी फ्यूचर, टेक्निकल आउटलुक, बाइंग लेवल, सेलिंग लेवल, स्टॉप लॉस, अगले दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी में रुझान क्या रहेगी, क्या हो सकते हैं, कौन सी लेवल पर हम पोजीशन बना सकते हैं, उस बारे में चर्चा करेंगे। और कल जो मैंने बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में जो चर्चा किए थे, जो लेवल यहाँ पर मैंने पेश किए थे, उसका रिव्यू देखेंगे। और इंटरडे लाइव फ्री टिप्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उस बारे में चर्चा करेंगे। तो कॉन्सेप्ट में जाने से पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये वीडियो मेडिटेशन पर्पज़ बनाता हूँ और जो भी टेक्निकल आउटलुक, जो भी लेवल यहाँ पर मैं पेश करूँगा, ये मेरी खुद की रिसर्च है। अगर आप लोग ट्रेड करते हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी लेकर ट्रेड कीजिए, क्योंकि मैं रिकमेंड नहीं करता मेरे बताए गए लेवल पर ट्रेड करने के लिए। तो चलिए चलते, पहले हम रिव्यू देख लेते हैं। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी का बाइंग लेवल था 26,301, सेलिंग लेवल था 25,942। बाइंग लेवल एग्जीक्यूट हुआ 26,301 का और टारगेट डन हुआ। फ्रेंड्स, नियर 5 टारगेट डन और आज हमें 290 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। तो एक बार आप लोग कैलकुलेट कीजिए, 290 पॉइंट इंटू 40 कितना प्रॉफिट होते हैं। अगर आप किसी कंपनी को पेमेंट करते हैं तो आपको कितना पॉइंट मिलेगा। और ये भी देखिए, कंटिन्यू डेली प्रॉफिट हो रहा है, 200 पॉइंट, 250 पॉइंट, 314 पॉइंट। कल भी प्रॉफिट हुआ था फ्रेंड, 314 पॉइंट, ठीक है। और निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी का बाइंग लेवल था 10,640, सेलिंग लेवल था 10,515। बाइंग लेवल एग्जीक्यूट हुआ था और आज इसमें जो है 51 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ निफ्टी में। तो 51 इंटू 75 कैलकुलेट कर लीजिए कितने होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये प्रॉफिट डेली डेली प्रॉफिट नहीं होगा। जिस दिन कॉल एग्जीक्यूट होगा उस दिन प्रॉफिट होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा, और जिस दिन कॉल एग्जीक्यूट नहीं होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कॉल एग्जीक्यूट नहीं हुआ हम गलत लेवल पे ट्रेड करें। कॉल एग्जीक्यूट हुआ नहीं हुआ इसका मतलब क्या है, हमने जो लेवल निकाले उस लेवल पर वो गए नहीं, वो कमज़ोर है बाइंग लेवल पर। अगर सेलिंग लेवल एग्जीक्यूट नहीं होता उसका मतलब क्या है, उसमें सप्लायर्स नहीं है, उस लेवल पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, कमज़ोर है सेलिंग, सेलिंग की तरफ कमज़ोर है और बाइंग की तरफ कमज़ोर है। ये प्राइस जो है बीच में ही रहेगा, उस बीच की जो प्राइस है उस प्राइस में अगर हम ट्रेड करेंगे तो कभी भी नुकसान हो सकती है। तो हमेशा ट्रेड से ट्रेड करें, हमेशा लेवल से ही। ओके फ्रेंड्स, एक दिन अगर ट्रेड भी नहीं होता कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपका लॉस तो नहीं हो रहा ना। हमेशा ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट चाहे हो या ना हो लेकिन लॉस होना नहीं चाहिए। मैं डेली अपनी वीडियो में एक ही बात में चर्चा करता हूँ। चलिए आप बैंक निफ्टी का आउटलुक देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के बारे में जब बात करें तो फ्रेंड्स देखिए, बैंक निफ्टी कितने अच्छी तरीके से कितने लंबी ट्रेंड बनाया है। काफ़ी गिरावट था बैंक निफ्टी में, उसके बाद देखिए सिर्फ बुलिश 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 कैंडल, बीच बीच में छोटे छोटे बॉडी जो बियरिश कैंडल है उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमें यह देखना है कोई बियरिश कैंडल पिछले बुलिश कैंडल की ओपन प्राइस को ब्रेक डाउन किया कि नहीं, यानी नेगेटिव ब्रेकआउट किया कि नहीं। लेकिन नहीं क्या नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रांग पोजीशन पे है, बाइंग पे है और हमें एक सपोर्ट दे रहा है यहाँ पर घंटे के चार्ट में। और नीचे की तरफ हमें 26,170 का स्ट्रांग लेवल मिल रहा है फर्स्ट, सेकंड हमें एक स्ट्रांग लेवल मिल रहा है नीचे की तरफ 26,000 लेवल का, 26,000 और 26,170 का। और बाकी सारे इंडिकेटर भी ऑलरेडी बाइंग पोजिशन पर हैं, लेकिन मार्केट कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हम ट्रेंड के हिसाब से चलेंगे। लेकिन हमें पहले ट्रेंड निकलना है कि बाई है या सेल, लेकिन अभी स्ट्रांगली बाइंग पोजीशन पे है। लेकिन लाइव मार्केट में शायद कुछ न्यूज़ की वजह से, मार्केट में बाहर की मार्केट की क्रैश होने की वजह से, या फिर ऐसी वैसी कुछ न्यूज़ की वजह से इसमें भी असर पड़ सकता है। इसलिए हम बाइंग लेवल और सेलिंग लेवल दोनों देख लेंगे ताकि हम लेवल पर ट्रेड कर सकें। तो बाइंग लेवल रहेगा 26,645, स्टॉप लॉस रहेगा 26,290, फर्स्ट टारगेट रहेगा 26,709, सिक्स टारगेट 27,315, सेलिंग लेवल रहेगा 26,230, स्टॉप लॉस रहेगा 26,585, फर्स्ट टारगेट 26,166 और सिक्स टारगेट 25,559। अब हम नेक्स्ट देखेंगे निफ्टी फ्यूचर। निफ्टी फ्यूचर के बारे में चर्चा करने से पहले हम लाइव फ्री टिप्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो देख लेते हैं। इसके लिए आप लोगों को करना क्या है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट को विजिट करना है। वेबसाइट का नाम है anjantechrecharge.com, ये मेरी खुद की वेबसाइट है। इसमें मैं डेली कॉल प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता मेरे इस कॉल पर ट्रेड करने के लिए। लेकिन आप ट्रेड करते हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी से ट्रेड करेंगे। चलिए इस मेन्यू में क्लिक कीजिए, जैसे आप इंटर टिप्स में क्लिक करेंगे आपको कॉल मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए
टाइम के हिसाब से मैं कॉल प्रोवाइड करता हूँ। गेल 12:13 पर प्रोवाइड किया, बुक प्रॉफिट 335 में 2 पॉइंट का प्रॉफिट, पीडी लाइट 11:25 में, फास्ट टारगेट डन, आईआरबी 11:07 में अभी ये होल्डिंग पे हैं, हैवल्स 10:35 में, बुक प्रॉफिट 566, फास्ट टारगेट डन, वेल 10:24 में, ऑल टारगेट डन, और बीपीसीएल 9:42 में, फर्स्ट टारगेट डन। तो इस तरीके से मैं कॉल प्रॉफिट करता हूँ, जो भी कॉल एग्जीक्यूट हो रहा है प्रॉफिट आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और देखिए आईआरबी आज कॉल एग्जिट हुआ था लेकिन स्टॉप लॉस भी नहीं हुआ, अभी होल्ड पर है। ओके, तो इस तरीके से आप लोग को मिल जाएंगे। ये मैं एडुकेशनल पर्पज डालता हूँ ताकि मैं बाद में ये रिसर्च कर सकूँ कि मेरी कॉल कैसे जा रहा है। अगर आप लोग ट्रेड करते हैं तो अपने जिम्मेदारी से ट्रेड कीजिए। चलिए आप देख लेते हैं निफ्टी फ्यूचर। निफ्टी फ्यूचर अभी स्ट्रांगली बाइंग पोजिशन पर है। लास्ट का 2 कैंडल बेयरिश कैंडल है, छोटे छोटे बॉडी से कोई मतलब नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कितनी अच्छी तरीके से 200 डेज को रीटेस्ट करते हुए 200 डेज के ऊपर क्लोज हुआ है, लेकिन 200 डेज को पॉजिटिव ब्रेक मतलब कि नेगेटिव ब्रेकआउट कर नहीं पाया, 200 डेज को ब्रेक डाउन कर नहीं पाया। काफ़ी स्ट्रांग है, हर तरीके से बाइंग पोजिशन पे है, लेकिन मैंने इससे पहले भी कहा था कुछ भी हो सकता है मार्केट में, लेकिन हमें पहले ट्रेंड निकालना है और हमें लेवल निकालना है, लेवल के हिसाब से ट्रेड करना है और ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करना है। तो चलिए उसका बाइंग लेवल और सेलिंग लेवल देख लेंगे, लेकिन हम इस निफ्टी का नीचे का जो लेवल हम बता देते हैं 10,590 रुपये का लेवल दिख रहा है और 10,550 का लेवल, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब बाइंग लेवल और सेलिंग लेवल देख लेते हैं। बाइंग लेवल रहेगा 10,778 रुपये, स्टॉप लॉस 10,637 रुपये, फर्स्ट टारगेट 10,712, सिक्स टारगेट 10,819, सेलिंग लेवल 10,627, स्टॉप लॉस 10,690, फर्स्ट टारगेट 10,615, सिक्स टारगेट 10,508। फ्रेंड्स आप लोग अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो ऐड हो सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को ग्रुप लिंक मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए ऐसा ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।